the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything. Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. So आज का जो vlog है ये बड़ा ही अलग सा व्लॉग होने वाला है. दिस इज़ नॉट माई रूटीन व्लॉग. तो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन. आई एम श्योर काफ़ी लोगों को इसका नाम पता होगा बिकॉज उज्जैन महाकाल की नगरी से फेमस है. उज्जैन विक्की की नानी का घर है. तो हम लोग वहाँ बेसिकली हम नाना जी को देखने जा रहे हैं. उनकी थोड़ी सी एज भी ज़्यादा है एंड उनकी तबीयत में थोड़े इशूज़ आ गए थे अभी, तो उनको हम देखने जा रहे हैं. एंड साथ ही साथ बिकॉज हम उज्जैन जा ही रहे हैं, तो जो उज्जैन जाए और वो महाकाल के दर्शन करने ना जाए वैसा हो ही नहीं सकता है. तो हम लोग महाकाल भी दर्शन करने के लिए जाएंगे. एंड सिंस महाकाल इज़ डेकोरेट, पूरा रेनोवेट हुआ है, कॉरिडोर बना है, बहुत सारी नई नई चीज़ें बनी है जिसकी मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है. तो वही देखने के लिए आज हम जाने वाले हैं. अभी बस हम सुबह निकलेंगे, थोड़ी देर दिन में निकलेंगे, 11:30-12 बजे निकलेंगे एंड 3-4 बजे हम लोग फिर महाकाल जाएंगे. सो यस, पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली हूँ. लेट्स गो, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन है नाना जी को और नानी जी को वीडियो में लेने के लिए. तो मैं इस बार कोशिश करूँगी अगर वो लोग कंफर्टेबल होंगे तो उनको कैमरे में लेकर के आऊँगी. सो यस, लेट्स गो, रेडी होते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं. ओके गाइस, तो हम लोगों को रास्ते में जाम के ऐसे बगीचे मिल गए थे और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ठेले लगा के लोग खड़े हुए थे. तो हम लोगों ने जाम लिए. थोड़ी देर विक्की ड्राइव कर रहा था, थोड़ी देर मैं ड्राइव कर रही थी. ऐसे हम लोग ड्राइव कर रहे थे और बड़ा ही अच्छा वेदर हो रखा था उस दिन. इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, सबसे बेस्ट पार्ट ये है. और बस अब हम लोग पहुँच गए हैं. ओके गाइस, सो वी आर एट आवर, मतलब मेरी नानी सास का घर है ये, विक्की नाना जी. सो ही इज़ रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर एंड उनके बुक्स का कलेक्टर से भी ऊपर वाली पोजीशन पे थे. जॉइंट कलेक्टर की पोजीशन से वो रिटायर हुए हैं. एंड मैं उनका जस्ट, मतलब ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सनैलिटी बट नॉलेज के भंडार है. मैं उनकी बुक्स देख रही थी, आई एम शॉक्ड टू सी दी कलेक्शन. उनके वोकैबुलरी कलेक्शन आपको दिखाती हूँ. वेट अ सेकंड, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी. तो ये पूरी और उन्हें मैं नोट्स हैं, पूरे में नोट्स हैं. ये देखो, ये पूरे में नोट्स मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं. इट्स 1912. पैदा भी नहीं उनको याद है पूरी चीज़. लुक एट दिस भाई, डिक्शनरी इनकी हिंदी इंग्लिश की नहीं है, शुद्धि पत्र. वाओ, ये पूरी संस्कृत में. ये तुकाराम चरितम तो संस्कृत में है पूरी. तो ये आपने इनकी फोटो यहाँ क्यों लगाई है? क्यों लगाई है? श्रद्धा के कारण से, आदर के कारण से. भगवान है उसी के रूप में, वह भी है. सही बात है. बड़े दयालु थे, बड़े उनकी कृपा से डिप्टी कलेक्टर बना मैं. आपके प्रोफेसर थे ना? प्रोफेसर. ये इनकी पुस्तक है, ये पढ़ाते थे. ये वेंकटेश, ये भाई साहब हैं, ये गोपाल सिंह के पिता. अच्छा. और ये उनके शिष्य वगैरह है. डिप्टी कलेक्टर के योग्य नहीं था ना? और मैं चाहता था बनना. मैं चाहता था कि प्रोफेसर बन जाऊं कॉलेज में. तो कॉलेज में तो बना नहीं और उधर डिप्टी कलेक्टर में हो गया. तो वहाँ सफल नहीं हो पाया. सफल का मतलब यह है कि भाई 3-4 प्रमोशन मिलना चाहिए था. तो 3-4 प्रमोशन नहीं मिले. नर्मदा घाटी की कृपा से एक प्रमोशन मिला. ठीक है ना, क्या दिक्कत है? है कि चापलूस हो, पैसा कमाए, खिलाए और प्रमोशन पाए. सही बात है. तो ये दिक्कत है. और सुनाओ आपके पापा. ये हमारी नानी जी. नानी जी कुछ बोलना है? क्या बोलो? कुछ भी, अच्छी सी बात. अच्छा, मैं कैसी लगती हूँ आपको? बढ़िया लग रही. कोर्ट में नहीं, कोर्ट में नहीं, वैसे कैसी लगती हूँ आपको? अच्छी लगती है, बढ़िया लगती. आई तो मैं दम रह गई. सही बात है, वो लगती भी सुंदर है अपनी.
तो हम जब जा रहे थे तब हमको रास्ते में कुछ ऐसे मलखम वगैरह करते हुए बच्चे दिखे. आई थिंक ये किसी चीज़ की रैली निकाल रहे थे, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की थी, बट हाँ सब बच्चे अपना अपना फॉर्म ऑफ जो भी उनको आता है गेम्स रिलेटेड या आर्ट्स से रिलेटेड वो शो कर रहे थे. एंड बड़ा अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख करके. तो हम लोग थोड़ा शाम को पहुंच गए थे 4:30 के अराउंड, क्योंकि मुझे ना दिन का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट भी देखना था और रात की लाइटिंग्स भी देखनी थी. तो हम इस तरीके के टाइम पे गए. एंड ये इनका मेन डोर है. मैं तो मेन डोर देख के इतनी मेस्मराइज्ड हो गई थी, मतलब आई वॉज स्पीचलेस. जितना मैंने टेम्पल देखा है, ओ माई गॉड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो. कैमरे पर तो जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है. इतनी सुंदर जो भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और इतना सुंदर इनक्रीट किया गया है हर चीज़ पे कि मैं क्या बताऊँ. देखते ही रह गए थे हम लोग, इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल था. एंड रात में तो नज़ारा, अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी. थोड़ा बहुत शायद, मतलब मुझे लग रहा है 10% जस्टिफिकेशन आ रहा है कैमरे के थ्रू, बट जो लाइव मैंने नेकेड आई से देखा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस था. अमेजिंग, आई वॉज स्टंड, मेस्मराइज्ड एंड वॉट नॉट, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है. मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो ऑलमोस्ट सारे इंडिया के जो भी धाम वगैरह होते हैं, जितनी भी होली प्लेसेस हैं, वो घूम चुकी हैं. एंड वो मुझे बता रही थी कि जितने भी अभी तक उन्होंने जगह देखी है उनमें से अब तक ये उनका बेस्ट, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का. तो ये इतना ब्यूटीफुल है. अब ये सिर्फ हाफ पार्ट बना है, अभी इसका हाफ पार्ट और बन रहा है. तो आई थिंक जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये तो गजब ही गजब, इंडिया की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जगह रहने वाली है होली प्लेस में. एंड बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब आपको देखने में इतना मज़ा आएगा. नीचे पूरी स्टोरी लाइंस लिखी हुई हैं हर चीज़ की, तो आपको समझने में भी बहुत ईजी होता है अगर आपको जैसे नहीं पता है तो. अब यहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ एंट्री कर रहे हैं. अभी हम कॉरिडोर में घूम रहे थे तो वहाँ पर आप महाकाल आएँ और महाकाल का टीका ना लगवाएं ऐसा भी नहीं हो सकता है. तो हम लोग बस वही टीका वगैरह लगवा रहे हैं. एंड अंदर तो मोबाइल अलाउड ही नहीं होता है. और उसके बाद ये रात का व्यू है, तो रात को तो मतलब स्वर्ण नगरी लग रही थी ये पूरी, लिटरली बताऊँ तो. बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि सारे जो आप देखेंगे ना ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सब हल्के हल्के से गोल्डन इफेक्ट दे रहा था. एंड लुक एट दिस, इट वॉज़ सो ब्यूटिफुल. मतलब मैं सबको रेकमेंड करूँगी, अगर आप उज्जैन के आसपास रहते हैं तो ज़रूर आइएगा. एंड अगर आपने नहीं देखा है या कहीं आप अच्छी जगह जाना चाहते हैं कोई होली प्लेस, तो डेफिनेटली डू विजिट हेयर. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल आई गेस.
नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल गए सांदीपनी आश्रम देखने के लिए। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो यहाँ पर कृष्ण जी और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त करी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग एंड कितना प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड था वो आपको यहाँ करके पता चलेगा। मैंने ये सब मुझे खुद को भी कुछ चीज़ें पता थी, बट इतनी चीज़ें नहीं पता थी जो मैंने यहाँ आश्रम में आकर के देखी। सो अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर कराए जाते थे, एंड मज़ा आ गया था देख करके। मतलब आप देखो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र, एक शास्त्र है, उसके बाद वास्तुकला यहाँ पे सिखाई जाती है। तो ये सब हमारे शास्त्र थे पुराने। सो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, मज़ा आ गया था देख करके। उसके बाद हम लोग गए थे दूसरी तरफ। यहाँ पर चैप्टर्स बताए गए थे, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स एक्चुअली में ये लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम में सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब आई वाज वेरी इंप्रेस्ड टू सी कि हमारे तब के टाइम पे इंजीनियरिंग सिखाई जाती थी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके सबके हिंदी वर्ड्स हैं एक्चुअली में। उसके बाद कोडिंग, डीकोडिंग, ये देखिए वास्तु विद्या और घर बनाने का जो तरीका होता है ना, कहाँ पे परफेक्ट प्लेस है एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत तरह के आर्ट फॉर्म सिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे मंदिर चले गए थे, बहुत पुराना मंदिर था ये भी, एंड बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर सा था, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ घूमने में। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, बट ये सब जगह मैं फ़र्स्ट टाइम घूमी हूँ। मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये कौन से भगवान है, तो हमको वहाँ पर जो बैठी हुई थी पंडित जी, उन्होंने बताया कि राम जी है, और ये राम जी का वो वाला रूप है जब वो वनवास में गए थे। तो ऐसा इमेजिन किया गया था जब वो 14 साल वनवास में थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर दाढ़ी मूंछ बनाने का कहाँ उनको मौका मिला होगा। Hey guys, तो हम लोग निकल गए हैं उज्जैन से, मतलब निकल रहे हैं। का ट्रिप मेरा बहुत अलग था, बट इस बार मैंने फर्स्ट टाइम नाना जी को रिकॉर्ड की बातें, बड़ा अमेज करती है मुझे, और उनका जो नॉलेज लेवल है और जो भी है, एंड जिस तरीके से वो एकदम सिंपल तरीके से रहते हैं, ईमानदारी से काम करता रहता है, उनका तबादला होता रहता है, बस वैसे नाना जी के साथ हुआ है। हाँ। उनकी 15 सिटीज चेंज हुई है। अगर वो नॉर्मल गो विद द फ्लो वाले होते हैं, सेक्रेटरी से रिटायर होते हैं, और कलेक्टर, उसके बाद होता है सेक्रेटरी, उसके बाद होता है सीएम। तक आपने कभी सुना है किसी को, किसी ने पूरी डिक्शनरी याद कर रखी संस्कृत में? हमारे नाना जी और हमारे छोटे मामा जी जो है, मतलब सेकंड वाले, दोनों को पूरी पूरी डिक्शनरी याद है। मामा जी, छोटे मामा जी को भी भारत सरकार ने उनको बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। खुद के पास होता तो कोई भी चला जाता है, कौन सी बड़ी चीज है। गवर्नमेंट भेज रही है आपको बाहर कि आप जाइए, आप वहाँ पर जाकर के ये रिसर्च को पूरा करिए। टेक्सास में अराउंड 92 में गए थे, 98 में वापस आ गए थे, उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से। मामा जी हैं जिनके साथ अभी हम घूमने गए थे, वो प्रोफेसर है मैथ्स के, 15-16 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। उन्होंने हमको एक टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, मेरे बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो गई है, 0 और 1 के बीच में भी कुछ डिग्रीज होती हैं, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके फ्यूजी नंबर कुछ तो बोलते हैं उसको, मैं पता नहीं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, हाँ मुझे था पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। तो और बाकी तो फिर वो सिलेबस बेस्ड होती है उनकी, ऐसे 15-16 बुक्स निकली हुई है। नाना जी के साथ भी बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना, पुरानी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो। सो जब आप इन लोगों में बैठते हो और उनका आप जब लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफ स्टाइल देखोगे ना, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता कोई बाहर का पर्सनैलिटी आएगा वो 2 मिनट देख के सोच भी पाएगा कि इतनी बड़ी पोजिशन से रिटायर्ड पर्सन है, या जो दोनों मामा जी लोग अभी काम कर रहे हैं वो स्टिल दे आर वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल पीपल। परम सुखम, ये पूरा इन लोगों की लाइफ है। और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ जो नीचे नाना नानी जी रहते हैं, फ्रिज नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि फ्रिज की नीड नहीं है। मैंने नानी से पूछा, मैंने कहा नानी जी आप कैसे, अभी तो चलो विंटर्स है आप मैनेज कर लेते हो, रख लेते हो उसमें सारी चीजें, एक छोटी सी अलमीरा टाइप की है वुडन की और है ना जाली वाली, हाँ हवा आती रहती है उसमें, उसी में रोटी का डब्बा, उसी में दूध अगर बच जाता है तो, उसी में सब्जी अगर बच जाती है तो, सब कुछ उसी में रखाता है। इनफैक्ट समर्स में भी यही हाल है, वही उनका फ्रिज है। और वो बता रही थी उसमें आज तक ना कभी कोई चीटी हुई है, ना कोई चीज खराब हुई है, मतलब फ्रिज की रखी हुई चीज खराब हो जाती है बट उसमें रखी हुई कोई चीज खराब नहीं होती। हम लोगों को पुराने लोगों से ना सीखना चाहिए, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब हम लोग आज भी लोगों के पास सब कुछ होता है, उसके बाद कंप्लेन करते रहते हैं, और यहाँ देखो आप
आपके जो बहुत अच्छी चीजें हैं, इसलिए मैंने सोचा शेयर करूँ। इसलिए मैंने सोचा, आई नो बहुत सारे लोगों को शायद ये व्लॉग इतना मजेदार नहीं लगेगा क्योंकि बहुत वैसी चीजें नहीं थी, सिंपल एकदम चीजें थी, बट अगर आपने इंजॉय किया हो या आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी तो डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना। सो यस, अब हम लोग निकल चुके हैं भोपाल के लिए, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, कितनी देर में, एक घंटे में पहुँचने वाले।